अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमान, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जब भी बेटी ने हंसकर अलविदा कहा, ऐसा लगा फरिश्तों ने दुआएं मांगी। ये सितम तेरा है तो सितम ही सही, यही अब इंतहा है तो इंतहा ही सही, ऐ खुदा यही मर्जी क्या तेरी रजा है, गर ये तेरी रजा है तो ये सजा ही सही। गुर्बत और लाचारी में पली बढ़ी और ना जाने कितनी ठोकरें खाकर मंजिल तक पहुंची मेहरुन्निसा, आज हमारे माशरे के लिए नजीर हैं। मेहरुन्निसा सहारनपुर की रहने वाली हैं, पर आज से 25 साल पहले अपने 3 भाइयों, 3 बहनों और वालदैन के साथ दिल्ली आ गईं। पढ़ाई के दौरान पुलिस की नौकरी का शौक हुआ और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए पढ़ाई भी करने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने उस ख्वाब को तो पूरा ना कर सकी, हालात से मजबूर होकर नौकरी की तलाश में निकल गई और घर के अखराजात और गरीबी को देखते हुए 18 साल पहले लेडी बाउंसर की नौकरी कर ली। मजबूरी से शुरू हुआ ये सफर पूरे मुल्क में मेहरुन्निसा को एक अनोखी शिनाख्त दे गया और वो हिंदुस्तान की पहली लेडी बाउंसर बन गईं। आज वो अपने घर वालों के साथ इज्जत से जिंदगी गुजार रही हैं और अपनी लेडी बाउंसर की मुलाजिमत से भी खुश हैं। तो क्या है मेहरुन्निसा के ख्वाब और क्या है उनकी ताबीर, आइए जानते हैं खुद मेहरुन्निसा से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी और मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जिसने दुनिया के तमाम तर मरहलों को देखा, उन्हें पार किया और बहुत से मुश्किल हालात से वो लड़ी हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक मकाम हासिल किया है। जी हाँ, वैसे तो ख्वातीन को सिन्फे नाजुक कहा जाता है, लेकिन जनाब उनके हौसलों की अगर बात की जाए, उनके मजबूत इरादों की अगर हम बात करें तो वो मर्दों से कहीं भी कम नहीं है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिन्हें मुल्क की पहली लेडी बाउंसर होने का शर्फ हासिल है। जी हाँ, कैसे इतने चैलेंजिंग और मुश्किल पेशे में वो आई, क्या उनकी कोई मजबूरी थी या वो खुशी से इस पेशे में आई, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मेहरुन्निसा साहिबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इतना चैलेंजिंग और मुश्किल पेशा है एक बाउंसर का, ज़्यादातर इस पेशे में मर्द ही जाते हैं, इस पेशे को वही अख्तियार करते हैं, आपने कैसे इस पेशे में आने की सोची? बाउंसर बनना तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा बचपन से सपना रहा था आर्मी या पुलिस ज्वाइन करने का। दैन उसके बाद जब मैं आई यहाँ पे, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका बिजनेस में लॉस हो चुका था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम लोग अब्बू को लेकर दिल्ली आए थे जी। वहीं पे मेरे भाई को इंडियन आइडल में गाने का मौका मिला। अच्छा। वहाँ मैंने देखे लंबे चौड़े बंदे, मतलब जो बाउंसर की ड्रेस में थे, तो मुझे लगा ये आर्मी ऑफिसर हैं, और मैंने उनसे पूछा आप ये क्या ड्यूटी करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम बाउंसर हैं। तो मैंने कहा भैया क्या मैं ये ड्यूटी कर सकती हूँ, बोला हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, बताइए आप कहाँ रहते हैं, मैंने बोला सहारनपुर में रहती हूँ, और फिर यहाँ कैसे आएंगे, मैं ठीक है मैं आ जाऊँगी भाई के साथ आऊँगी, क्योंकि मेरी खाला जो है ना नांगलोई में रहती है, मैं उनके पास आके रहूँगी और जब भी इवेंट होगा आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैंने भाई का नंबर दिया उनको जी। फिर ये होता था कि 10-15 दिन के लिए मैं इवेंट के लिए आती थी यहाँ पर, लेकिन उस टाइम लेडी बाउंसर नहीं होती थी, सबको सिक्योरिटी गार्ड ही बोलते थे जी। टॉप ट्रिक्स कंपनी, ग्रुप 4, SIS कंपनी, तो ये बाद में आई है, पहले टॉप कंपनी थी, तो इसमें सब सिक्योरिटी गार्ड ही लेडी होती थी, और उनको खाने में भी फ़र्क किया जाता, उनकी जो ड्यूटी पे जो थोड़ी सी देर लेट आ जाती थी तो उनको जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे बदतमीज से बात करते थे, चिल्लाते थे,
और हमेशा सिक्योरिटी गार्ड ही बोलते थे। अच्छा, इसके लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई, लड़कियों को भी भड़का देती थी कि अगर कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड बोले तो ड्यूटी छोड़ देना। अच्छा तो ऐसे आज देखेंगे तो इतनी सारी लेडी बाउंसर हैं और मुझसे भी काफ़ी काबिल हैं और काफ़ी, मतलब मुझे भी खुशी होती है क्योंकि जिम जाती हैं और आजकल पढ़ी लिखी भी हैं जितनी। पहले क्या होता था कि कोई बिल्कुल भी पढ़ी लड़की नहीं है, लेडी है 50 साल 55 साल, उनको भी लेडी बाउंसर रख देते थे क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी और बस ऐसे ही ले जाके सिक्योरिटी गार्ड की तरह उन्हें ड्यूटी पर रख दिया जाता था। अच्छा, मेरे हिसाब से कम 12th या 10th तो पढ़ी होनी चाहिए लड़की आज के दौर में, आजकल है भी, आजकल आ भी नहीं है लड़कियाँ इतनी, मतलब जिन्होंने एजुकेटेड हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल किया हुआ है तो वो लड़कियाँ भी बाउंसर लाइन में हैं आज देखेंगे तो। तो मुझे तो प्राउड फील होता है कि मैं एक बाउंसर हूँ। अच्छा मेहरुन्निसा, ये बताइए आप कि आपने जैसे कि बताया कि आपके वालिद की जिम्मेदारियों को बांटने के लिए आपने मतलब काम करने की सोची और आप इस पेशे में आई, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी खुशी थी या फिर मजबूरी कहेंगे? इसे खुशी भी कह सकते हैं और मजबूरी भी, क्योंकि उस टाइम अब्बू तो हॉस्पिटल में थे और भाई बहन बहुत छोटे थे तो जॉब की भी ज़रूरत थी और इसमें मेरा सपना भी पूरा हो रहा था क्योंकि आर्मी ऑफिसर की तरीके से हमें दूसरों को सेफ करना था, दूसरों की सेफ्टी करनी थी और वही काम जो एक पुलिस ऑफिसर करता है वही काम मैं कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशी भी थी इस बात की। अच्छा मेहरुन्निसा साहिबा, ये बताइए कि आपने अपनी तालीम, शुरुआती तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं और कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं सहारनपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी पढ़ाई भी सहारनपुर में हुई है। स्टार्टिंग में अब्बू को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा एतराज़ था। अच्छा। उन्हें ये लगता था कि बच्चे पढ़ के बाहर बिगड़ जाते हैं तो उन्होंने स्कूल में कभी एडमिशन नहीं करवाया। अम्मी जब जाती थी ना, अम्मी ने बहुत कोशिश की, मेरी पढ़ाई 7th क्लास में अब्बू ने हटा दिया था। अच्छा। जब छोटी सिस्टर की जब शादी हो गई और देखा कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तब अब्बू ने, अम्मी ने ज़बरदस्ती एडमिशन करवाया कि दो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है तो मैं अब इन दो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगी। बहुत दूर जाके अम्मी ने मेरा एडमिशन करवाया तन्नू का। हम दोनों बहन भाई दोनों बहनें पैदल जाते थे, भाई को भी साथ लेके जाते थे और स्कूल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छे पढ़ते थे, कई किताब मंगवाते अब्बू। फिर 12th क्लास क्लियर करने के बाद अब्बू के ही भाइयों ने बताया कि शौकत आपकी बेटी ने 12th क्लियर किया है और मुलायम सिंह ने उनको उस टाइम पे 20,000 रुपये टोकन वो मिलते थे ना उसके पढ़ने के बाद तो 20,000 रुपये का देते हुए फ़ोटो आया था अखबार में। तो सबने बताया कि तुम्हारी बेटी ने 12th क्लियर किया है। तो गर्व की बात है, अब्बू को बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपनी बेटी को क्यों पढ़ाई के लिए मना करता था। फिर अब्बू ने ही कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैं 10th में थी जब मैं दिल्ली आ गई क्योंकि छोटी बहन का पैर ख़राब हो चुका था, एक्सीडेंट हो गया था और अब्बू हॉस्पिटल में थे क्योंकि अब्बू को बहुत बड़ा झटका लगा था, अब्बू का लॉस हो गया था, शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो अब्बू को काफ़ी नुकसान हो गया था और कमाई का कोई साधन ही नहीं था। तो दिल्ली आई थी तब, उस टाइम मैं 15 या 10 दिन के इवेंट्स जो होते हैं वो करती थी, फिल्म शूटिंग होती थी वो हो गए और फिर या कोई शो हो रहा है सारेगामापा, इंडियन आइडल, ये सब इवेंट्स करती थी मैं। उसके बाद एमबीए कंपनी के भी इवेंट्स मैंने काफ़ी किए, बाबा ओके, निर्मल बाबा, गोल्डन बाबा, इन सब के मैं इवेंट कर चुकी थी। अच्छा उस वक्त आप कितने साल की रही होंगी? मैं 14 साल की थी। अच्छा, कम उम्र में आप आ गई। लेकिन लगती नहीं थी मैं क्योंकि मैं जिम करती ना, काफ़ी हेल्दी थी तो जैसे ही मैं, अब मुझे तो लगता मैं ऐसी थी तभी। अच्छा, काफ़ी हेल्दी थी और जिम करती थी तो अच्छी बॉडी बनाई हुई थी मैंने। 14 साल की होकर 15 में लगी थी तभी से मैं ड्यूटी करने लगी थी और इस 18 से 19 साल हो गए। काफ़ी लंबा अरसा हो गया जी इस फील्ड में। अच्छा एक बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे मेहरुन्निसा, हर औरत को शायद कहीं ना कहीं एक मर्द की ज़रूरत होती है, एक जीवन साथी की, एक पार्टनर की लाइफ में, तो आपका क्या कहना है, क्या ये सही बात है और आपको कभी ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हुई? मुझे तो नहीं लगता कि एक मर्द की ज़रूरत होगी तभी औरत अपना घर संभाल पाएगी। अगर औरत चाहे तो पूरा घर क्या 2-3 घर भी संभाल सकती है अपनी मेहनत पर। जी बहुत अच्छी आपने बात कही है जी। तो कभी आपको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, कभी शादी के बारे में भी आपने नहीं सोचा? नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे सर पे मेरे माँ बाप की, मेरी बहन की, मेरे भांजों की जिम्मेदारी थी, प्लस मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, उसके पैर में प्रॉब्लम थी, तो अगर मैं शादी कर लूँ या मैं कहीं और, क्योंकि लड़के से किसी भी लड़के से शादी करेंगे वो ये तो नहीं कहेगा कि अपने फैमिली में, अपनी फैमिली के लिए आप कमाओ, जॉब करो, जॉब करने के बाद वो सैलरी आप अपनी फैमिली को दो, ऐसा तो कोई लड़का नहीं होगा। और चलो सैलरी भी दे रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग से 7 से रात के 2 बजे तक मैं ड्यूटी पर रहूँगी, उनकी फैमिली का भी जो हक बनता है ना ये सब। अच्छा मेहरुन्निसा साहिबा, ये बताइए कि अपनी ड्यूटी के दौरान आपने कौन कौन से सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट किया है? प्रियंका चोपड़ा, उदित नारायण, सोनू निगम, रानी मुखर्जी,
और बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ मैंने ड्यूटी की है। अच्छा, अगर ये बात करें कि आपने बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने प्रोटेक्ट किया है, अगर किसी आम इंसान की बात की जाए तो आपने किसी आम इंसान को भी कभी प्रोटेक्ट किया या किसी हादसे से बचाया है? अभी कुछ महीने की बात है, डेढ़ दो महीने पहले मैं अभी विराट के साइड जा रही थी, 7 बजे का करीब का टाइम था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कुछ होगा। तो एक लड़की को 6-7 लड़के छेड़ रहे थे, आगे आगे वो लड़की जा रही है, पीछे पीछे लड़के जा रहे हैं, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उन लड़कों की, 18-20 या 21-22 साल तक लास्ट। अच्छा, तो पहले तो मैंने सोचा मैं इनसे बताती हूँ अच्छे से छेड़ना क्या होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार किसी के बीच में आना गलत है तो छोड़ना, खुद देखेगी जब आइए तो। तो मैं पूरा पार्क घूम कर वापस आई, क्योंकि मैं अपने सर के यहाँ जाती हूँ, उन्होंने बेटी गोद ली है, तो मैंने सोचा मिल के आती हूँ। अच्छा, तो उनका घर का एड्रेस मुझे मालूम ही नहीं है, एक बीच में मंदिर पड़ता है, वहाँ तक मैं लड़की के पीछे पीछे जा रही हूँ और देख रही हूँ लड़के छेड़ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, साइलेंट। आता रहा था बहुत गुस्सा, मगर मैं कार छोड़ किसी के हर किसी के पंगे में नहीं घुसते। घूमते घूमते ना आधा घंटा हो गया, मुझे वो उनका घर नहीं मिला। अच्छा, गुस्सा तो आ ही रहा था बहुत ज़्यादा कि मुझे सही एड्रेस क्यों नहीं बताया, मिल जाता तो मैं उन्हें ही ठोक देती हूँ। बट मैंने सोचा छोड़ अब घर चलते वापस। घूम के जैसे ये पार्क है ना, बहुत बड़ा पार्क है, पार्क से घूम के मैं वापस उसी जगह पे आ गई जहाँ वो लड़की को छेड़ रहे थे। अब वो लड़के बोल रहे हैं चल इस लड़की को उठा और गाड़ी में लेकर चल। अच्छा, मैं जो गिफ्ट लेके गई थी ना सर को देने के लिए, तो मैंने पार्क पे रखा, पार्क की एक दीवार है उसके ऊपर रखा। अब तो भैया क्योंकि अब बात आ गई लड़की की इज्जत पे, अब नहीं, मैंने एक लड़के का तो गिरेवान पकड़ा इधर से और दूसरे का सर पकड़ा, खींच के दोनों को टकरा दिया। मैंने बोला बता लेके जाएगा लड़की को, और आपको विश्वास नहीं होगा उसके सामने ही 3 लेडी मोटी मोटी वहां बैठी हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर के पास पुजारी खड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो लड़के बाइक पे बैठे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की को कोई उठा रहा है। तो वो जो 3 लड़के थे मुझे गाली बकने लगे, वो तो कम गाली बक रहे थे, मेरे मुंह से उससे भी ज्यादा फूल झड़ रहे थे। अच्छा, जैसे ही मैंने गाली शुरू की ना तो उनको लगा कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ। दो लड़के तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और दो और जाके कूद के उसके अंदर बैठे और वो गाड़ी लेके चल दिए, दो बाइक पे उसके पीछे एक और बाइक पे, वो बाइक मैंने गाली बकी रुक तो जाओ मुझे तो लेके जाओ मुझे किडनैप करो ना, वो भाग गए। तो वहाँ की जो लेडीज थी वो मेले पानी लेके आ रही लोटा भर के, कि बेटा ये पानी पिए अच्छा हुआ तूने काम किया यही ड्यूटी कर लिया। मैंने कहा इस पानी में ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बेटी को देवी बोलते हो ना, और आपके ही सामने वो इस लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, कल को उसके साथ कुछ हो जाता। फिर मैंने उस लड़की के भी 2 चाटे लगाए। अच्छा। मैंने बोला जब आपसे लड़कों से मुकाबला नहीं किया जाता इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं था, 7 बजे का टाइम था। वो बोली कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं सोचा यहाँ पे चली जाती हूँ विराट पे, विराट सिनेमा, ज्यादा ऐसा भी इलाका नहीं है कि यहाँ से कोई किडनैप कर ले। और मुझे हैरानी कि मतलब शाम के 7 बजे इवनिंग का टाइम था, 7 बजे का टाइम था, कोई बड़ी भी बात नहीं थी, इवनिंग के टाइम 7 बजे के टाइम उसको किडनैप की बात चल रही थी। और मैं नहीं होता तो ले जाता उस लड़की को, और आए दिन आप सुनने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे कि ऐसा लड़की के साथ हादसा हो गया। अच्छा मेहरून निसा साहिबा, ये बताइए कि आप आज जिस मकाम पर हैं, आपने एक वाकई में भीड़ से अलग एक काम किया है, एक ऐसा कहेंगे ना चैलेंजिंग वर्क आपने लिया है अपने हाथ में, आज आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, और इतना जद्दोजहद भरा आपका सफर रहा है तो उसे आप याद करती हैं, तो आप कहाँ पाती हैं खुद को आज? पहले से अब की लाइफ बहुत अच्छी है और काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा भी है और काफ़ी ने मुझे अवार्ड भी दिए हैं, रानी मुखर्जी ने भी मुझे सम्मानित किया है, फिर सबाना आजमी जी ने भी मुझे सम्मान दिया है, सम्मान किया था मेरा, सम्मानित किया, उसके बाद केजरीवाल जी ने भी अवार्ड दिया, फिर जम्मू में एक भैया उन्होंने भी नेता है उन्होंने भी मुझे सम्मानित करते हुए एक अवार्ड दिया, और दिल्ली में भी काफ़ी मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। और अच्छा लगता है मुझे कि मैं जिस मुकाम पर आई हूँ तो वहाँ कहीं अल्लाह का हाथ था, वो अल्लाह के मतलब वो था मेरे पास, और माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ में, तो मुझे बहुत खुशी होती जो अल्लाह ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, पहली ज़िंदगी से ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आगे के मुस्तकबिल में मतलब क्या आप करना चाहेंगी, क्या दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब आपने क्या सोचा है कि अब ये तो मैंने पा लिया, यहाँ तक तो मैं पहुँच गई, इससे आगे क्या? आने वाले टाइम में मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगी,
क्योंकि आजकल आप देखते हैं कितनी लड़कियों के साथ हादसे हो जाते हैं, लड़कियां फंस जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो वो किस तरीके से वहां से निकल सकती हैं। अभी भी मैं ऑनलाइन लड़कियों को क्लासेस देती हूं, तो मैं चाहती हूं कि मैं लड़कियों को ऑनलाइन क्लास ना देके वैसे लड़कियों को बुलाकर उनको, अभी एक इंस्टीट्यूट खोलने वाली हूं, फिर उसके साथ में मैं सिक्योरिटी कंपनी खोल रही हूं मर्दानी सिक्योरिटी के नाम से, तो मैं ये कंपनी आगे तक बढ़ाऊंगी और लड़कियों की जो फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिलती थी वो मैं अपनी लड़कियों को दूंगी। एक तो ये मर्दानी कंपनी जो आप खोलने वाली है, कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी की फिल्म से तो ये इंस्पायर्ड नहीं है, तो कहीं आप क्या उनकी फिल्म से काफी मुझे लग रहा है कि मुतासिर है। हाँ, बहुत मुझे अच्छी लगती है और बेस्ट जी। अच्छा, अपने कुछ अवार्ड्स और एजाजात के बारे में बताएं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं यहाँ आपको काफी अवार्ड्स और मतलब इनामात मिले हुए हैं जी, तो कहाँ कहाँ से आपने ये हासिल किए, कौन कौन से इदारों ने आपको इन एजाजात से नवाजा? जम्मू से मिला है, अमित भाई ने मुझे दिया था, और ऊपर वाला मुझे केजरीवाल जी ने दिया है वो। अच्छा जी जी, और ये मुझे नाम तो मुझे याद नहीं, भैया एक है उन्होंने दिया था, एनजीओ से है। ये भी मुझे अवार्ड शो था वहाँ से मिला है, ये छोटा सा भी ये याद नहीं मुझे क्योंकि इसका निकल गया जी। तो मतलब ये कहा जाए कि आपके इनामात की फहरिस्त काफ़ी लंबी है तो कैसा महसूस होता है आपको इतने इनाम हासिल करने के बाद, और इतनी आपकी वाहवाही होती है, लोग आपको सराहते हैं, कैसा महसूस करती हैं? बहुत गर्व फील होता है, अच्छा लगता है। आज भी पता जापान में और चाइना में मेरे नाम की एक बुक लिखी जा रही है। अच्छा, काफ़ी साल हो गए उनको लिखते हुए, तो वो मुझसे मिलने भी आती है, रेगुलर फ़ोन पे बात होती है, तो अच्छा लगता है कि जो मैं सपनों में सोचती थी वो मेरा आज हकीकत हो गया। बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहन से बोलती थी कि अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक मजबूत इरादे तो चाहिए, लेकिन एक जुनून की भी ज़रूरत होती है, जो मेरे ख्याल से आपके अंदर बचपन से ही रहा, और तभी आपने ऐसे ख्वाब बुने जो साकार भी हुए आगे चल कर। बस अम्मी की दुआएं थी, अब्बू की दुआएं थी, बस अल्लाह का साथ था। अच्छा, आज जैसे कि आप खुद एक मजबूत खातून हैं और हर तरीके की मुश्किलात का आप सामना करने का हौसला भी रखती हैं, तो हमारी जो ख्वातीन हैं आज की लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन सब लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाएं, हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सोचें, ये ना सोचें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं मर्द के आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी भी मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ काफ़ी मेहरू निशाएँ मुझे दिखती हैं, ऐसा लगता है कि उन लड़कियों में कहीं ना कहीं मैं हूँ, मेरे जैसी एक मेहरू निशा है जो घर में बैठी हुई है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा प्रयास नहीं करती, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को नहीं पहचानती, तो आज मैं भी कहीं ना कहीं बर्तन धो रही होती, घर का काम कर रही होती। मैं घर के काम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो मैं आज बनी हूँ वो नहीं होती शायद। तो आप भी अपनी ताकत को पहचानिए और जो आप करना चाहती हैं अपने माँ बाप से, उसके लिए ज़िद कीजिए, आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। जिस तरीके से, क्योंकि मैं भी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, मैं भी एक छोटे से गांव से आई थी, आज अल्लाह के फजल से मैं भी इतने कामयाब हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है। और मैं भी आपको भी ये बोलूँगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने नेक मकसद पर ध्यान दीजिए। अच्छा मेहरुन्निसा, आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे 3 भाई हैं और हम 4 सिस्टर बहन हैं। अच्छा, तो आपके भाई आपके साथ रहते हैं? नहीं, मेरे भाई सब अलग रहते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह अब उनके सर पे खुद की जिम्मेदारी हो गई है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, शायद हो सकता है ये वजह रही हो, तो वो सब अलग अलग रहते हैं। कोई मतलब फिर भी अपने माँ बाप से कभी मिलने के लिए वो आते हैं या क्या? बीच वाला भाई जो बड़े से छोटा भाई है वो कभी कभी आ जाता है, 2 भाई नहीं आते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे और शायद हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों आपने पूरी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रखी है एक लड़की होकर, और वो बेटे होकर अपने माँ बाप से अलग हैं, दूर हैं, तो इसकी क्या वजह है अगर आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? इसकी वजह मैं क्या बताऊँ आपको, हो सकता है माँ बाप या बहनें बोझ बन गई हों शायद। मतलब हमें देखकर लगता है एक सीख है शायद हमारे लिए और सभी के लिए कि वाकई में कि जो लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं और बेटे की चाहत करते हैं कि बेटा पैदा हो, तो उनके लिए एक वाकई में सीख है कि एक लड़की होकर मेहरुन्निसा ने अपने घर की ज़िम्मेदारी को समझा, अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी को समझा, बहनों की ज़िम्मेदारी को समझा, यहाँ तक कि भांजे और मैंने आपने बताया कि भांजी है आपकी, भांजा है या भांजी है? भांजी, हाँ, तो आप उनको भी मतलब उनकी भी जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो ये एक बड़ी फख्र की बात है।
सॉरी आपकी बात काट कर एक बात बोलना चाहती हूँ, बेटा हो या बेटी, जिम्मेदारी दोनों की बनती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे भाई की जिम्मेदारी है, क्योंकि बेटी है उसका भी हक बनता है अपने माँ बाप अपने बहन भाई को देखने का। अगर बेटा जिम्मेदारी से अपना मुँह फेर रहा है तो बेटी का हक बनता है कि कुछ भी करे। ये नहीं कहूँगी कि मायके की ससुराल की हर जगह की बेटी जिम्मेदारी उठा सकती है। इस बात पर मुझे हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं नज़म इकबाल, उनका एक शेर याद आ रहा है कि है बेटे के वजूद से घर में चिराग रोशन, अगर बेटी ही ना हो तो वो घर ही कहाँ। मैरोनिसा, जैसे कि आपने बताया कि चाइना में और जापान में भी आपकी कहानी लिखी जा रही है, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, चाइना में भी मेरे नाम की बुक लिखी जा रही है, वहाँ से दो मैम आती हैं, वो हमेशा मतलब स्काइप पे मेरे से बात करती हैं। वीक में मैंने क्या किया, किससे मिली, क्या हुआ, उनको 8 साल हो गए मेरी स्टोरी लिखते हुए। और ऐसे ही जापान में एक मैम है, वो आती रहती हैं और वो भी मेरे से फ़ोन पे बात करती हैं और मेरी स्टोरी लिख रही हैं। जो चाइना में मैम है वो एक पिक्चर बनाने वाली है मेरी स्टोरी पर। अभी तक कितने ऑफर आ गए मेरी स्टोरी पे मूवी बनाने के, लेकिन अभी मैं उनसे, क्योंकि उनके साथ चीट नहीं कर सकती ना, 7 साल से वो स्टोरी लिख रही है, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप ही मेरे स्टोरी पे एक मूवी बनाएंगी। अभी एक डायरेक्टर जाने प्रोड्यूसर थे जिन्होंने स्टोरी पे मेरे मूवी बनाने के लिए बोला था, 20 लाख रुपीज़ देने के लिए बोला, लेकिन मैंने बोला कि जब मैं मैम को प्रॉमिस कर चुकी हूँ तो अपनी जबान की भी एक कीमत होती है। बिल्कुल। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा जो है ना शाश्वती मैम या अनीता मैम ही मेरी स्टोरी पे एक वीडियो वो मूवी बनाएंगी। तो जैसा भी होगा, वो बुक भी लिख रही हैं और साथ में एक मूवी की भी तैयारी कर रही हैं। अच्छा, ये तो कहीं ना कहीं एक मतलब अचीवमेंट है आपके लिए मैरोनिसा, इसके लिए आपको काफ़ी मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। अच्छा, अब ये बताइए कि हाल फिलहाल में आप क्या कर रही हैं, फिलहाल आपकी क्या जॉब है? अभी तो मैं वो बाउंसर की ही ड्यूटी करती हूँ, कई इवेंट्स होता है वहाँ चली जाती हूँ, और जो भी अभी परमानेंट तो जॉब है नहीं, क्योंकि मैं जिस क्लब में थी, रेस्टोरेंट में थी, सोशल में, वो नेक्स्ट मंथ शायद ओपन हो जाएगा। और साथ में ही मैं एक सिक्योरिटी कंपनी तैयार कर रही हूँ, उसमें लड़कियों को इंटरव्यूज रोज लेती हूँ, तो बस अभी लड़कियों के लिए कुछ अच्छा करने जा रही हूँ। अच्छा, तो जैसे आप ये बता रही हैं कि आप लड़कियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो क्या कहीं से किसी भी तरीके की मदद आपको मिली है, या फिर ये आप अकेले ही अपना सफ़र तय करने पर जुटी हुई हैं? नहीं, अभी मैं खुद ही इस चीज़ को कर रही हूँ, और एक मेरे पार्टनर हैं जो हमारे कज़न भी हैं, वो मेरी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेरी सिक्योरिटी कंपनी बनाने में मेरी मदद की है, और आज वो मेरे साथ हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी काफ़ी लड़कियों की हेल्प करें और मदद करें। कि आपको काफ़ी जो नेता हैं उन्होंने काफ़ी मतलब लेटर्स वगैरह भी दिए हैं, आपको सराहा है, आपको अप्रिशिएट किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस किस ने आपको क्या क्या मतलब इनाम दिया है, नवाजा है? हाँ, ये लेटर भी मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर और नेताओं ने दिए हैं, इनके हैं ये सिक्योरिटी ऑफिसर, जिन जिन के साथ मैंने ये सब ये इवेंट्स किए हैं उन्होंने दिया है, और ये एक DIG ऑफिसर है उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उस टाइम उनकी ड्यूटी होती थी सन 2003 में मेरे साथ में, तो वो मुझे जानते हैं, मैंने उनके साथ ड्यूटी की है। ये भी एक NGO की तरफ से मिला है, क्योंकि मैं उनके साथ ड्यूटी करती थी, और ये सिक्योरिटी ऑफिसर भी है। ये मुझे रानी मुखर्जी ने सम्मानित किया था। अच्छा, उस टाइम का। ये सब न्यूज चैनल्स के ही हैं सारे, जितने भी हैं, इंडिया फर्स्ट लेडी बाउंसर, ये सब उन्होंने कहा। आज जो हूँ, काफ़ी हद तक न्यूज चैनल्स वालों ने भी मुझे बहुत सराहा दी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। अच्छा, इस चीज़ के लिए भी। अच्छा, एक सवाल हमसे हमारा आपसे एक और है मेहरुनिसा, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप काफ़ी लोगों ने सराहा है, तो कभी मतलब काफ़ी लोग आपके साथ भी हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि कोई अच्छी नौकरी मतलब आपको आपके पास होनी चाहिए इसके अलावा, या किसी ने आपको ऑफ़र किया हो कि आपको हम ये अच्छी नौकरी दे देंगे और आपकी सैलरी होगी, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, एक अच्छी खासी नौकरी मिल रही है तो मैं ज्वाइन कर लूँ? मेरे पास अभी तक ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है। अच्छा, तो मतलब यही है कि आपको फ़िलहाल ये बाउंसर का ही इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? नहीं, ऑफर भी अभी तक नहीं आया, आता तो मैं पक्का करती, लेकिन नहीं आया अभी तक। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहरुनिसा साहिबा, अपनी ज़िंदगी की दास्तान हमसे आपने बयान की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और डीडी उर्दू का भी बहुत बहुत शुक्रिया, नज़म साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा मुझे इतना इज़्ज़त दी, आप सब ने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। तो नाज़रीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद हर घर में एक मेहरुनिसा है, बस ज़रूरी है कि हम उसे पहचानें। लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात को हमें बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है, दोनों की ही तालीम पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, और ख़ास तौर से लड़कियों को तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। नाज़रीन,
यही प्रोग्राम जो हमारा है ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, ये इसी चीज़ की पैरवी करता है कि लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाएं, इसी को हम फ़रोग देना चाहते हैं। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और खातून के साथ, हम आपसे रूबरू होंगे और उनकी ज़िंदगी की दास्तान आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर, बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं